गाइस आज हम बनाने वाले हैं वर्ल्ड्स कूलेस्ट कार। मेरी बात सुन लो, पहले ही कह दे रहा हूँ कि इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज को किसी भी तरीके से ट्राई मत कर लेना, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वीडियो के मजे लो और हम बनाते हैं वर्ल्ड्स कूलेस्ट कार। आजा, जल्दी थोड़ी आगे गाइस, गाड़ी थोड़ी आगे कर रहे हैं। आजा आ गया था। अरे चलती नहीं है यार, बंद क्यों कर दी? आ गया था गाइस, बहुत बड़ा रीजन है गाड़ी को, और कर ले। बताऊं गाइस, बहुत बड़ा रीजन है ये, यहाँ पे गोबर पड़ा हुआ है और जब हम अपना काम करेंगे तो हम गोबर में गाइस सन सकते हैं, इसलिए हम इसको आगे लेके आए। अच्छा ठीक है। अरे वो भी ले आओ यार, आ जाओ। बहुत भयंकर गर्मी है। अरे मेरे को मारेगा क्या यार, तू क्या कर रहा है भाई? अरे रोक ले महाराज, अरे डट जा यार। अरे भाई इनको किसने लाइसेंस दे दिया यार? तो गाइस यहाँ पर ये है तिरपाल और इसका कोई भी काम नहीं है गाइस, इसके अरे इसका कोई यूज नहीं है भाई। जो कमाल की चीज है वो है इसके अंदर। खोलो यार कुंडी। तो ये खुल गई है गाइस कुंडी, और यहाँ पर हमारे पास में ये है लिक्विड नाइट्रोजन का पूरा कैन, जिसके अंदर है 55 लीटर गैस। गैस भी नहीं है गाइस, नाइट्रोजन जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और दो कंटेनर्स हमारे पास में। तो भाई ये लिक्विड नाइट्रोजन हमने क्यों चूज करी इस एक्सपेरिमेंट के लिए? भाई देखो, किसी भी चीज को अगर ठंडा करना है तो या तो कंप्रेसर का यूज करो जैसा हमारे एसी में या फिर फ्रिज में होता है, या फिर कोई ऐसी चीज का यूज करो जो कि खुद ही बहुत ज्यादा ठंडी हो। अब ठंडी गाइस बर्फ भी होती है, लेकिन आपको पता है कि जो बर्फ का टेम्परेचर है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से ठंडी अगर कुछ करनी है तो जिस चीज से ठंडी कर रहे हैं वो 0 से ज्यादा ठंडी होनी चाहिए। समझ गए गाइस? नहीं, आई होप समझ गए होगे, बेसिक साइंस है। तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन का, जो कि होती है गाइस -196 डिग्री सेल्सियस। आप सोचो कि अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर होता है ना भाई, वो कितना होता है? -40, -50, -60, हद से हद। और ये है -196, -200 के करीब है भाई। और जो कूलेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल होता है वो भी इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं होता, जो 0 केल्विन होता है। तो गाइस अब इसको फटाफट से गाड़ी के अंदर डालते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर इंसान भी रहेंगे तभी तो फील होगी ना भाई कूलेस्ट कार। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि बच गया भाई, क्योंकि जब नाइट्रोजन गाड़ी के अंदर जाएगी तो एक दिक्कत होगी, और दिक्कत ये होगी गाड़ी के अंदर जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है ना भाई, वो हो जाएगी खत्म। तो इंसान जो है वो सांस कैसे लेगा, क्योंकि पूरी गाड़ी में तो नाइट्रोजन भर जाएगी। तो इसलिए भाई उसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा, और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को मैंने बोला था ट्राई मत करना। तो इसलिए गाइस यहां पर है जुगाड़, और ये है गाइस ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि हमको देगा भाई सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन। फिर भी कई सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं, पहले ऑक्सीजन लेने का सिस्टम बनाते हैं। तो भाई यहाँ पर डबल टेपिंग लगा करके ये जुगाड़ बना रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर हमारी नलकी फिट हो जाए। ये हो चुकी है। अब भाई इस पाइप में एक टी लगा रहा हूँ, और इस टी के दोनों एंड पर दो अलग अलग पाइप्स लगा रहे हैं। और भाई ये सारा कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको सांस आ सके अंदर। तो भाई मास्क रेडी हो चुका है, इसमें बिल्कुल गैस आ रही। देखो अगर मैं इसको माइक के पास ले जाता हूँ, आवाज सुन सकते हो, और ये जो है इस ऑक्सीजन में से आ रही है, और यहाँ पर ये दो पाइप में जा रही है, तो इसलिए दो लोग जो है गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। देखो दोनों में बहुत तेज आवाज आ रही है, कंटिन्यू ऑक्सीजन चालू रहेगी, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते भाई। और भाई सेफ्टी में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ग्लव्स भी पहन लिए हैं, अपना अपना मास्क लगाते हैं। मोहित भाई लगा ले मास्क, और घुसते हैं गाड़ी के अंदर। और भाई हमने ये चीज़ एक बार पहले ट्राई करी है, लेकिन तब हम गाड़ी के अंदर नहीं घुसे थे, क्योंकि प्रॉपर सेफ्टी हमारे पास में नहीं थी, लेकिन इस बार है। तो भाई हम लोग एकदम तैयार है एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए। सारे लोग भाई ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथों में हो सकती नहीं, हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, ध्यान रखना। अगर कोई भी इमरजेंसी हो मैं माइक में बता दूंगा, हेडफोन लगा के रखना। वैसे लगा रखा है, देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर विकास ने जो हेडफोन लगा रखा है, और मेरी जो माइक की आवाज़ है वो सीधी ही उसके पास में जा रही है, मेरी आवाज़ उसको सुन रही है। फिर भी अगर तुमको लगे कि कुछ भी गड़बड़ है तो तुरंत से गेट खोलना और संभाल लेना। बट स्टिल गाइस हमने वैसे तो काफ़ी सेफ्टी ले रखी है, मास्क लगाते हैं अपना। बैठ भाई मोहित, गाइस बैठते हैं।
ऊपर वाले का नाम लेके जय श्री राम बैठो। और भाई ऑक्सीजन के साथ बारिश भी आने लग गई है। हाँ तो भाई लगाते हैं अपना मास्क और करते हैं शुरू। ठीक है भाई डाल दो और देखते हैं भाई अंदर कैसा फील होता है। और भाई अब इसके अंदर जाने वाली है पूरी 110। ये मैं मुझे लगा ये हो क्या रहा है क्योंकि यहाँ पे भाई कनेक्ट ही नहीं है। मर जाऊंगा ऐसे तो। ओ भाई नीचे। अरे ठंडा आने लग गया भाई। अरे बैंक का ठंडा आने लग गई नीचे से भाई। हमारे पैर बहुत ज्यादा ठंडे हो गए। अरे यहाँ डालते ही भाई बहुत ज्यादा ठंडा हो गया भाई। मुझे तेरे को ठंड फील हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत बैंक का ठंड हो रही है भाई बहुत तगड़ी। ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? बहुत तगड़ी ठंड हो गई। हमारे कूले ठंडे हो रहे हैं आपकी कसम। क्या बोला तूने? हमारे कूले ठंडे हो रहे हैं आपकी कसम। बहुत भयंकर टेम्परेचर। दिखा उत्तरी। ओ भाई अरे भाई जीरो डिग्री आ चुका है ऑलरेडी देखो। ओ भाई 0.0 डिग्री। अब मेजर करता हूँ नीचे का टेम्परेचर है। मोहित ऑक्सीजन लगा के रखना। ऑक्सीजन मत छोड़ देना भाई। 0 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा भाई। बहुत भयंकर लग रही है। भाई बहुत ज्यादा चिल्ड हो चुकी है भाई। हमने अगर ये बूट देखो टेम्परेचर -8 डिग्री हो चुका है गाड़ी का भाई। -8 -8.5। और भाई अरे कोई दिक्कत नहीं है शीशा है। मोहित शीशा खोल भाई। बहुत तो ठंड लग रही है। और हुआ कुछ ऐसा है भाई हमारे जो पाइप है ना ये जम चुका है क्योंकि ये नीचे पड़ा रह गया था। निकल गया ये टाइट हो गया। अब इसको मोड़ते टूट जाएगा। पानी है क्या अपने पास भाई? अब मैं ऑक्सीजन हटा रहा हूं क्योंकि मेरा ऑक्सीजन पाइप ही टूट चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मैं अपनी खिड़की खोल के रख सकता हूं ताकि मेरे को सांस में दिक्कत ना हो भाई। और डालो। ओ गाइस भाई नीचे नाइट्रोजन पड़ी हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो हमारे पैरों में भाई ये नाइट्रोजन है भाई। ये देखो नाइट्रोजन की भाप हमारे पैरों में बन रखी है। मेरे जूते जम चुके हैं भाई। मेरे शूज जम चुके हैं भाई। और बाहर तो आपको दिख ही रहा है यार बहुत खतरनाक हालत रखी है। और इन लोगों ने और डाल दिया यहाँ पे। उतर के मैं एक बार आपको हालत दिखाना। और मेरे जूते जम चुके हैं भाई। अरे भाई मेरे को जूते में ठंड फील हो रही है। और गाइस हालत देखो एक बार। अरे यार गाड़ी की हालत क्या हो गई है भाई। और मेरे को जूते में बहुत भयंकर ठंड लग रही है। देखो इधर आऊंगा ना मेरे जूते में से भाप निकलेगी। देखो मेरे जूते पे बर्फ जम चुकी है क्योंकि गाड़ी का जो टेम्परेचर है ना अंदर से बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका है। और मेरा ऑक्सीजन मास्क जो है जो पाइप था वो इतना ठंडा हो गया इसलिए मैं खिड़की खोल के रखूंगा भाई। भाई मैं आपको मैट दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जहाँ मैंने अपना पैर रखा है ना ये गाड़ी की मैट है। अरे यार ये टूट जाएगी भाई। ये रबड़ की होती है लेकिन मैं इसको एक बार। अरे यार टूट गई भाई। ये गाड़ी की मैट थी जो कि कुछ ऐसी हो गई है भाई। ओहो ये रबर होता है और ये प्लास्टिक बन चुका है। देखो इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है कि रबर ऐसे टूट रहा है। देखो यहाँ से ये थोड़ा ठंडा कम हुआ है तो यहाँ से नहीं टूट रहा है लेकिन ये हिस्सा देखो। ये देखो गाइस टेम्परेचर देखो -45.9 और कई बार तो ये लो में चला जाता है जो -50 इसकी लोएस्ट लिमिट है ना उससे भी ज़्यादा नीचे। अब इसमें एक टैंक और बचा हुआ है वो पूरा डालते हैं और फिर देखते हैं उसके बाद में गाड़ी को चलाएं भी ये ठंडा होने के बाद में। सीट पे बर्फ। कहाँ बर्फ आ गई? बर्फ है देखो। अरे यार गाइस पूरी गाड़ी में अंदर स्वर्ग वाला माहौल बन चुका है। बादल बन रहा है। चलो भाई डाल दो। भाई पूरा डाल दिया इन्होंने। ये देखो ये पूरा ये गिर रहा भाई। ओ सॉरी बॉडी में से आ रहा है सब कुछ। ओ देखो भाई एक बार देखो कैसे आ रहा है। और यहाँ पर ये लोग डाल रहे हैं कितना सारा नाइट्रोजन। ये देखो पूरा नाइट्रोजन इन्होंने गाड़ी में भर दिया है। अरे क्या हमारी जान लोगे भाई। गाइस प्लीज ये एक्सपेरिमेंट ट्राई मत करना। आप लोग देख सकते हो हमारी क्या हालत हो रखी है। नीचे अब मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि दिख ही नहीं पाएगा। ओ इस गाड़ी को चलाएंगे क्या ठंड में? गाड़ी स्टार्ट कर। और भाई अब हम चलाने वाले हैं वर्ल्ड कूलेस्ट कार। चलो भाई देखते हैं कि गाइस क्या मजा आता है। अरे बैठ जाओ तुम लोग भी बैठो। भाई सवारी बैठा ली है चारों खिड़कियां खोल ली है। अरे मैट तोड़ दी। कोई बात नहीं। अब चलने वाली है सबसे ठंडी गाड़ी भाई। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। और अभी तुम लोग बैठे हो दुनिया की सबसे ठंडी गाड़ी में।
कैमरा गया। अरे कैमरा कहाँ गिर गया? मेरे हाथ में। ओ भाई अंदर कुछ दिखता ही नहीं है क्योंकि इतनी सारी नाइट्रोजन गाड़ी के अंदर भरी हुई है कि वो बादल ही बादल बनाई जा रही है और पैरों को तो जमा दिया बिल्कुल। अरे क्या हुआ है? वो लोग उतर के ही भाग गए भाई। बस हवा निकल गई। हम लोग का भी तो जिगर है कि हम अंदर बैठे हुए हैं इतनी ठंड के बावजूद। देखो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ठंडी हो गई, क्या ठंडा हो गया भाई इस गाड़ी में बैठ के उसका बहुत कुछ ठंडा हो गया भाई। ये एक्सपेरिमेंट खतरनाक है लेकिन बहुत ही मजेदार है और वो फील की इतना ज्यादा ठंडी गाड़ी में हम बैठे हैं वो भी राजस्थान के अंदर, वो अलग ही फीलिंग देता है। लेकिन प्लीज आप लोग ट्राई मत करना ऐसा, लिक्विड नाइट्रोजन बहुत खतरनाक चीज देती है भाई। क्या हुआ? अरे फोन ले गए। प्लीज याद दे दे यार। वही तो पैर ऊपर करके ही बैठ। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। अरे जम चुके हैं वो भाई। मोहित का जूता ही ले लिया उन्होंने। चलो थोड़ा सा और चलाते हैं गाड़ी। नहीं कर सकता भाई पैर में। ओ भाई देखो 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 सामने कुछ दिखता ही नहीं है ऐसा माहौल है। और उसका रीजन ये है कि इतनी ज्यादा अंदर भाप है। देखो देखो दिख ही नहीं रहा भाई। अब तो इसमें सुनो वो अंगारे डाल देना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पैर पकड़ के बैठा क्योंकि इसका जूता ले गए बोलो। और भाई नॉर्मली मैं तो अपनी जो गाड़ी का एसी है वो रखता हूँ 24-25 डिग्री, इससे ठंडा नहीं रखता। आप लोग कमेंट में बताओ कि आप अपनी गाड़ी का एसी कितना ठंडा रखते हो। इतना ठंडा तो नहीं रखते होगे कि ऐसे भाप ही बनी रहे, लेकिन कमेंट से बताओ कि आप कितने टेम्परेचर पे अपनी गाड़ी जो है वो रखते हो। अरे गड्ढा क्या करेगा भाई, वो ठुक जाएगी सामने। अबे कुछ नहीं दिख रहा सामने। अरे क्या हो गया फालतू दे ले 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 यार अभी ले ले ओ तेरी ओ यार। अरे कितनी गैस है यार इसमें, कितनी नाइट्रोजन है भाई। हाँ भाई अब ज्यादा ठंडा हो गया भाई मामला, अब सब कुछ ठंडा हो गया, पैरों में बर्दाश्त नहीं हो रहा। पैरों में देखो ड्यू जमी हुई है भाई, ये ड्यू नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, पैरों में बर्फ जमी हुई है देखो देखो। अरे यार ओए भाई, अरे यार बाहर और ठंडक हो गई गाइस। इतनी इसका देखो, इसका जूता देखो भाई, इसका जूता देखो। और अभी भी देखो यहाँ पे पूरा बर्फ जम गई है। ये देखो ये देखो ये देखो भाई पूरा जमा हुआ। और अंदर के जो, अरे ये वाला भी टूट गया यार, ये भी टूट गया। ठंड का कमाल देखो, इतनी ज्यादा ठंड थी अंदर। पैर तो सुन्नी हो गए, पैरों का तो पता ही नहीं लग रहे, काले रंग का था गाइस, ब्लैक था। इस पे ये पानी जम गया अभी जो हवा में होता है। अरे भाई इतनी ठंडी गाड़ी कभी नहीं बनी भाई। नहीं नहीं इसको मोड़ते टूट जाएगा, मत मोड़ना। ये ऑक्स केबल जो है, अरे पहले तो ऐसे रखी थी एकदम कड़क। गाइस ये है यार साइंस का मजा। गाइस इसको बोलते हैं फन विद साइंस, यानी कि साइंस के साथ में मजा करना। और वो हम करते हैं गाइस क्रेजी तरीके से, आपको दिखाते हैं हमेशा कुछ नया। इसलिए आप लोगों का भी अब फर्ज बनता है, आप लोगों का कर्तव्य है, आपका ये दायित्व है, आपका ये करना ही है आपको गाइस। इसके लिए लाइक करना ही है आपको, ठीक है, इस वीडियो के लिए करना ही है। और हम लोगों ने पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा भाई, इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज़ ट्राई मत करना। कई बार बोल चुका हूँ प्लीज़ इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने की कोशिश ही मत करना, ये हम जैसे क्रेजी लोगों के लिए है। और आपने देख तो लिया ही है, ठीक है, तो आप तो बस लाइक कर देना और वीडियो को कोई रिपोर्ट भी मत करना, ठीक है। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, लोग बहुत सारे लोग रिपोर्ट करने लग गए भाई। यार हम लोग भाई आपको पता है हम लोग कब से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं खतरनाक वाले, और आपको कुछ नया दिखाने के लिए करते हैं। आप लोगों के प्यार से जहाँ है वहाँ है, तो प्लीज़ रिपोर्ट मत किया करो वीडियोज़ को, सिर्फ लाइक क्या करो, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा टाइम हो चुका और भाई गाड़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। हाल दिखा देता हूँ, ये देखो भाई गाड़ी में थोड़ा दिखने लग गया क्योंकि नाइट्रोजन उड़ चुकी है लगभग सारी। और देखो कितना हार्ड पीसेस अभी इसके अंदर पड़े हुए हैं, पूरा मैट जो है ना वो ही एकदम ठंडा हो रखा है। तो ग्लव्स है नहीं तो हाथ जम जाए, इतना ठंडा है। सीटें ठंडी है, इधर से पूरा ठंडा है भाई। और पीछे अगर देखें तो पीछे भी यही हाल है,
ये करतार गोबर का पैर लेके घुस गया इस पे तो देखो। लेकिन नीचे देखो भाई पूरा का पूरा अभी भी ठंडक आ रही है। और आप लोग देख के इमेजिन कर सकते हो कि अब भी जो गाड़ी है वो कितनी ज्यादा ठंडी है। तो उस टाइम पर जब इसके अंदर नाइट्रोजन भरी थी 100 लीटर, तब इसका क्या हाल होगा भाई। इतना क्रेजी फील कभी कभी आता है, और यही गाइस हमारे काम करने का मजा है। तो आई होप कि आपको सब मजा आया होगा। बार बार नहीं कहूंगा भाई लाइक करने के लिए, लाइक जरूर से कर देना।